ये बताया था तुम लोगों को कि हमारे पास सेवरल अलग अलग तरह की कई टेक्निक हैं जिससे हम लोग क्या कंक्रीट को प्लेस कर सकते हैं जहां पे हमने रिपेयर वर्क करना है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो आपका एलिमेंट कौन सा है, मतलब आपकी स्लैब है, बीम है या कॉलम है, कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट, जहाँ पे हम प्लेस करने वाले हैं उसकी कंडीशन कैसी है, आगे पता लग जाए कंडीशन का मतलब क्या है कि हमें मतलब उसकी कंडीशन ज्यादा खराब है या कम खराब है, हल्की हमने फिलिंग करनी है या ज्यादा बड़े एरिया में फिलिंग करनी है। उसके बाद हमारे पास सोर्स कौन सा अवेलेबल है, अलग अलग टेक्निक के लिए अलग अलग चीजें यूज होंगी, तो हम हमारे पास जो अवेलेबल होगा उसी हिसाब से हम उस रिसोर्स को यूज कर पाएंगे। और जब हम कोई भी टेक्निक को सिलेक्ट करते हैं तो कोई एक हम कंसिडर कर लेते हैं और अलाउ द फिलिंग ऑफ द वॉइड एंड मोस्ट इकोनॉमिकल, जो भी वॉइड होते हैं उनको फिलिंग करने के लिए, और हम ये भी कोशिश करते हैं कि वो वाला हमें सस्ता पड़े। इंश्योर द यूज ऑफ द रिपेयर मटेरियल विद मिनिमम, और हमने ये भी इंश्योर करना है कि जो रिपेयर मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो उससे क्या हो, मिनिमम श्रिंकेज हो, ठीक है, ज्यादा श्रिंकेज नहीं होनी चाहिए। ये पहले भी हमने चीज पढ़ी थी कि जो मटेरियल हमारा पहले से है, एग्जिस्टिंग जो मटेरियल है और अब जो हम यूज कर रहे हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, मतलब ऐसे वाला हमने अब क्यूरिंग भी कम करनी है, और मतलब जो मटेरियल यूज किया है उसमें क्यूरिंग कम से कम हो, ऐसे ऐसा मटेरियल हमने यूज करना है और श्रिंकेज भी कम से कम हो, ठीक है। उसके बाद ये मेथड है, 8 मेथड है जो हमने, ये वाला मेथड मैं तुम्हें बता चुकी हूँ पहले भी, और लेकिन हमने ये ध्यान रखना है कि कौन से वाला कौन सी उसके लिए यूज होता है। जैसे ये वाला जो मेथड है, दिस टेक्निक इज यूज फॉर वर्टिकल और ओवरहेड। वर्टिकल में मतलब कॉलम कॉलम टाइप में जो भी होंगे आपके पिलर कॉलम जो भी आ जाएंगे, ओवरहेड में मतलब आपका जैसे बीम हो गया, स्लैब हो गया, ठीक है। तो उस टाइप का हमने जब भी सरफेस क्या करना है, रिपेयर करना है, तो हम ये गेनाइट और न्यूमेटिक टेक्निक है ये यूज करते हैं, ठीक है, विदाउट कंजस्टेड। वहां पे यहाँ पे हम यूज कर रहे हो, वहां पे ज्यादा रेनफोर्स सरिया नहीं होना चाहिए, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए सरिये की, ठीक है। उसके बाद इन दिस मेथड मोटार, सीमेंट मोटार एंड कंक्रीट मेक श्योर टू सरफेस बींग प्रिपेयर्ड, जो भी हमने सॉरी बींग रिपेयर्ड, जो भी हमने रिपेयर करने के लिए वहां पे हम सीमेंट मोटार और कंक्रीट का मिक्स यूज करेंगे शॉर्ट के साथ, प्रेशर के साथ, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फोर्स द मिक्स, इस प्रेशर का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्योंकि हम प्रेशर लगा के हम लोग नहीं तो हल्के हाथों से डालेंगे, बिना प्रेशर के डालेंगे तो अंदर तक वो डीप तक नहीं जाएगा और हमें हार्ड सरफेस नहीं मिलेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं उसको फोर्स के साथ शॉर्ट के साथ अंदर इंड्यूस करते हैं ताकि हमें मैक्सिमम डेंसिटी मिल जाए और वो फर्मली प्रॉपर तरीके से उसके अंदर इंड्यूस हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो हम कैसे वो करते हैं, इसके लिए मैंने उस दिन बताया था तुम्हें, हमारे पास ये होता है, ठीक है, ये अरेंजमेंट होता है, ये गनाइट सिस्टम है, नीचे की साइड आपका ये सीमेंट है इसके अंदर, और ये पाइप है, ये फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल पाइप है, मतलब ये मूव कर सकते, हार्ड नहीं है, ठीक है। तो इसमें सीमेंट और सैंड रहेगा, ऊपर वाले में पानी रहेगा, बीच बीच में वाल्व लगे हुए हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे ये लगे हुए हैं, तो ये एयर कंप्रेसर जो है जिससे एयर उसमें इंड्यूस कर रहे हैं उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और ये जो लगे हुए हैं पानी को कंट्रोल करेगा, ये वाला जो सीमेंट और सैंड जो है उसको कंट्रोल करेगा। तो ये पूरा अरेंजमेंट हो जाएगा, जो बस यही इसके अंदर लिखा हुआ है मेनली, तुम याद मतलब ये ध्यान रखना, इसने थोड़ा इसको ज्यादा ही घुमा फिरा के दे रखा है, यहाँ जितने भी प्रोसेस है इसने बहुत घुमा रखे हैं कि इसमें ये होगा, लेकिन सिंपल तरीके से आपने समझना है, नीचे पूरा प्रोसेस समझ लिया आपने कि एक पाइप में आपका पानी जा रहा है, दूसरे वाले में सैंड और सीमेंट जा रहा है, ठीक है, एयर कंप्रेसर के साथ उसको क्या है कंप्रेस करेंगे, जिससे जो नोजल लगा हुआ है, ये नोजल है, यहां से इस साइड हम रिपेयरिंग वर्क करेंगे, यहाँ पे ये जो है नोजल से आपका उस साइड जो हम जो भी मटेरियल है, या सीमेंट हो, मोर्टार हो, या फिर आपका कंक्रीट हो, ठीक है। ये कह रहा है कि जब हमने फॉर मोस्ट रिपेयर जॉब रेनफोर्स, या इसमें ये लिखा हुआ है कि नोजल के साथ हम लोग तो जो भी कंसिडरेबल हमारा फोर्स होता है उसको अप्लाई करेंगे, द मोस्ट रिपेयर जॉब ए रेनफोर्स मैश शुड बी प्लेस ओवर द सरफेस। कई बार क्या करते हैं हम रिपेयर वर्क करेंगे तो उसके ऊपर क्या कर देते हैं हम लोग रेनफोर्स को क्या कर देते हैं प्लेस कर देते हैं, हम डाल देते हैं रेनफोर्स, इससे क्या होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, ऑफ ए फिनिश जॉब, जो भी हमने काम किया है।
उसके ऊपर क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी और जो मिक्स हमने डाला है उसको भी एक सपोर्ट मिल जाएगी। अकेला मिक्स डालेंगे तो उस वो इतना नहीं वो कर पाएगा, जितना हम रेनफोर्स के साथ डालेंगे तो उसको एक सपोर्ट मिल जाएगी, तो ये भी कर देते हैं उसके बाद। और इफेक्टिव गनाइट के लिए अगर इस प्रोसेस को इफेक्टिव बनाना है तो हमेशा नोजल को कितना 60 to 120 सेंटीमीटर क्या रखना है, सरफेस से दूर रखना है हमने, ठीक है, टू इंश्योर दैट द रेनफोर्स इज फर्मली इम्बेडेड। हमने ये भी इंश्योर करना है कि जो रेनफोर्स है उसके अंदर अच्छे से कवर आ जाए, ठीक है, ऐसे नहीं कि बाहर दिख रहा है। ये हम हमेशा से ही देखते हैं कि जो भी हम लोग बीम के अंदर या फिर कॉलम के अंदर या फिर जो स्लैब है उसके अंदर हम लोग जो रेनफोर्स प्रोवाइड करते हैं हमेशा उसको सफिशिएंट कवर देना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वो ओपन रह जाएगा तो फिर वो स्ट्रक्चर को खराब भी करेगा और उसके अंदर जंग लग जाएगा और जंग लगेगा मॉइस्चर को पकड़ेगा, वो मॉइस्चर को पकड़ेगा तो वो उसको खराब कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग दोनों साइड मतलब जो भी हमने प्रोसेस करना है दोनों साइड हम लोग स्टील के वो कर देंगे, बहुत साइड क्या कर देंगे वो जो कवर है वो प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद हमने क्यूरिंग करनी है, मोस्ट क्यूरिंग मतलब गीली जो क्यूरिंग जो भी हमें रिक्वायर्ड है उस कंक्रीट के लिए, ठीक है, और ड्यूरेशन जो है कंक्रीट क्यूरिंग का वो सेम रहेगा जो हमने कंक्रीट पहले प्लेस कर रखा है उसमें किया था हमने, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे नीचे जो है प्रोसेस बता रखा है इसने कि ये हम लोग क्या करेंगे, एयर कंप्रेस करते हैं और टू टाइप का होता है, एक तो ड्राई मिक्स होता है और एक गीले वाला मिक्स होता है, लेकिन जो हम ड्राई मिक्स होता है उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि जो ड्राई मिक्स होता है उसमें क्या होता है श्रिंकेज कम रहेगी, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है ड्राई मिक्स प्रोसेस इज मोर एक्सटेंसिवली यूज, इसका रीजन यही है कि श्रिंकेज कम होगी, ठीक है। उसके बाद कि सीमेंट और सैंड को बैच करते हैं, मिक्स करते हैं, ये तो तुम्हें पता ही है। ये यहाँ पे थ्रो ए होस पाइप, होस पाइप किसको बोल रहा है, ये जो पाइप है जिसके थ्रू ये जा रहा है, जो ये वाली पाइप है, पाइप जो पाइप है उसको होस पाइप बोल रहा है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सेपरेट पाइप में एक में सीमेंट जा रहा है, इसमें एक में क्या है आपका पानी जा रहा है, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज क्या है इसके, फर्स्ट एडवांटेज क्या होगा कि लो सीमेंट रेशो रहेगा इसके अंदर। मैंने ऊपर बता दिया कि ड्राई मिक्स वो डालता है, ठीक है, पानी कम डालता है तो लो सीमेंट वाटर रेशो होगा, तो क्या होगा हमें श्रिंकेज वाली जो प्रॉब्लम है उससे बच जाएंगे हम, ठीक है। और गुड कंपैक्शन प्रोड्यूस होती है इससे, प्रेशर के साथ नोजल के साथ लगाते हैं तो कंपैक्शन अच्छे से हो जाती है, इससे क्या होगा हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी और फ्लेक्सिबल मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए उसने उसके अंदर रेनफोर्स डाल दिया है और इन दिस मेथड मटीरियल कैन बी क्विकली अप्लाइड, मतलब आसानी से, पता है स्प्रे से कर रहे हैं तो आसानी से इसलिए हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं। और ऑलमोस्ट एन शेप और कॉन्फ़िगरेशन, जिस भी शेप में जिस भी जो भी कॉन्फ़िगरेशन मतलब जिस स्ट्रक्चर की जो शेप है, ठीक है, उस शेप में हम लोग उसको ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कि दिस प्लेसमेंट टेक्निक परफॉर्म विदाउट फॉर्मवर्क, हमें इसके लिए कोई शटरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती ना ही फॉर्मवर्क करने की जरूरत पड़ती है, विदाउट शटरिंग के और फॉर्मवर्क के हम लोग क्या कर सकते हैं कंक्रीट को प्लेस कर सकते हैं, ये इसके एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसके, अब जो यो नोजल मैन है जो स्प्रे कर रहा है उसकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, अगर उसको नॉलेज नहीं है तो वो नहीं ऑपरेट कर पाएगा अच्छे से, ठीक है। तो इसीलिए क्या करता है, जो जो भी क्वालिटी है फाइनल जो आउटपुट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो ऑपरेट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। उसके बाद सेकंड डिसएडवांटेज क्या है, इन दिस मेथड मोर सीमेंट इज रिक्वायर्ड, ज्यादा हमें सीमेंट की रिक्वायर्ड होती है एंड गनाइट रिजल्ट इज द एक्सेसिव श्रिंकेज, जिसकी वजह से क्या होता है एक्सेसिव श्रिंकेज की प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमें क्या है रिच कंक्रीट मिक्स यूज करना चाहिए। उसके बाद ओपन प्लेसमेंट टेक्निक, ऊपर वाले में कोई डाउट बताओ मुझे, ऊपर वाला समझ ना आया हो किसी को, सिंपल मैम लास्ट पॉइंट नहीं समझ आया, लास्ट पॉइंट क्या ये वाला, ये जो बताया वो अभी बोला कि रिच कंक्रीट, हाँ यस मैम, रिच कंक्रीट मतलब जो हमारा क्या है प्रॉपर जो मिक्सिंग होती है, जैसे वो हम लोग मिक्स करते हैं 1:2 वो वाला लेके चलते हैं अच्छी क्वालिटी का, हमने कि कम वाटर सीमेंट रेशो का मतलब यही है कि सीमेंट और वाटर जितना हम कम डालेंगे उतनी ही श्रिंकेज कम होगी, क्योंकि जो वो एग्रीगेट वगैरह होते हैं मतलब सैंड वगैरह तो वो तो हार्ड होते हैं ना, उसमें कितनी की श्रिंकेज हो जाएगी, ठीक है। इसलिए क्या है कि ये बोल रहा है कि इस प्रोसेस में सीमेंट ज्यादा यूज होता है,
ठीक है, ज्यादा यूज होता है तो पता है जहां सीमेंट और पानी ज्यादा यूज होंगे तो श्रिंकेज भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इसलिए हमें अच्छी क्वालिटी का मतलब कंक्रीट यूज करना है हमने, ठीक है, ताकि श्रिंकेज जो है उससे हम बच जाए। और इसने बताई दी प्रॉब्लम क्या है इसमें, वो प्रॉब्लम इसने बताई दी है। हर एक चीज में प्रॉब्लम कुछ ना कुछ मिलेगी, जितने भी प्रोसेस है, इसीलिए तो इतने सारे हैं ये, कि जिसको जो स्टेबल लगता है वो। उसने पॉजिटिव पॉइंट भी बता दिए, उसके बाद नेगेटिव भी बता दिए, ठीक है। उसके बाद ओपन टॉप प्लेसमेंट, ये सिंपल है, जैसे मान लो इसमें कुछ डायग्राम नहीं बना रखा, जैसे ये है हॉरिजेंटल मेंबर, ठीक है। ओपन टॉप प्लेसमेंट टेक्निक कैन बी यूज फॉर द पार्शियली और फुल डेप्थ मिड रिपेयर टू हॉरिजेंटल, मतलब हॉरिजेंटल मेंबर, जैसे मान लो हमने एक बार के लिए बीम मान लिया, ठीक है, बीम है, जैसे ये हॉरिजेंटल मेंबर है, उसको रिपेयर करने के लिए ऊपर मान लो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई हुई है, तो सिंपल ऊपर से हम लोग क्या करते हैं, फिलिंग करते हैं और उसको कंपैक्ट कर देंगे, उसी को ही ओपन टॉप प्लेसमेंट बोल रहा है, ठीक है। द रिपेयर मटेरियल इज पोर्ड डायरेक्टली इनटू द टॉप ऑफ द प्रीपेयर सरफेस, जो भी हमारा सरफेस है ऊपर, जहां पे भी प्रॉब्लम आ रखी है हॉरिजॉन्टल मेंबर में, हम उसके ऊपर प्लेस कर देंगे, ठीक है। रिपेयर मटेरियल प्लेस शुड बी वेल वाइब्रेटेड एंड स्ट्रक ऑफ सो दैट न्यू मटेरियल सरफेस इज फ्लैट। हमने ऐसे नहीं कि सीधा प्लेस कर दिया, उसको वाइब्रेट हिलाना है, ठीक है, अच्छे से रगड़ना है, ताकि जो नया मटेरियल है जो पहले वाले सरफेस के साथ क्या है अच्छे से एडजस्ट हो जाए और ऊपर वाला जो सरफेस है वो फ्लैट हो जाए एंड लेवल विद द सराउंडिंग कंक्रीट, जो भी आस पास का कंक्रीट है उसके साथ क्या हो जाए, लेवल्ड हो जाए, ठीक है। दिस इज ईजियर एंड लिस्ट एक्सपेंसिव प्लेसमेंट ऑफ टेक्निक, क्योंकि ये वाला जो मेथड है जो वर्टिकल और ओवरहेड में वहां पे काम नहीं आएगा कि आप यहाँ पे जाके सीधा फिलिंग कर दो, ठीक है। तो ओपन टॉप प्लेसमेंट सिंपल मेथड है, ये तो है ही, जैसे मान लो अब हमारा फर्श खराब हो गया, ऊपर से खराब हुआ है तो यहाँ पे फिलिंग कर दो, और उसके बाद मतलब ऊपर टॉप से हम जब फिलिंग करते हैं, ठीक है, तो वो ओपन टॉप प्लेसमेंट टेक्निक हो जाएगी, ठीक है, जहां पे भी रिपेयर होती है। तो ये वाला क्या है, जहां पे हॉरिजेंटल हमने फिलिंग करनी होगी, हॉरिजेंटल रिपेयर करनी होगी, वहां पे ये वाला ओपन टॉप वाला सुटेबल रहेगा और कहीं पे ये सुटेबल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो है पोरिंग फ्रॉम द टॉप टू रिपेयर बॉटम। अब इसमें क्या है, जहां पे स्लैब है आपकी या बीम है, इन दिस मेथड ओपनिंग आर मेड फ्रॉम द टॉप नियर द इफेक्टिव पोर्शन बॉटम पोर्शन पोरिंग द मटीरियल, ठीक है। ये किसमें होता है, स्लैब में होता है, मैं बस इसने इसको इसमें इसने कंफ्यूज कर रखा है, ठीक है। ये सिंपल टेक्निक है, जैसे मान लो ये है आपकी स्लैब, अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन में, तो क्या करेंगे हम लोग ऊपर से उसके ये सब मैंने मिला दिया एक मिनट, हम बिल्कुल पास में उसके पास में क्या कर लेंगे, हम हॉल बना लेंगे ऊपर से, फिर टॉप से हम क्या करेंगे उसके अंदर फिलिंग करेंगे, ठीक है। यही इसके अंदर लिखा हुआ है, इन दिस मेथड ओपनिंग आर मेड फ्रॉम द टॉप नियर द इफेक्टेड बॉटम, ठीक है। जहां पे भी प्रॉब्लम है, मान लो यहाँ पे प्रॉब्लम है तो हम उसके ऊपर वाले एरिया में, ठीक है, इसने हॉल बना रखे हैं जैसे, तो ऊपर वाले एरिया में क्या करेंगे हम लोग, हॉल बना लेंगे उसके पास में, ठीक है, पोर्शन ऑफ पोरिंग द मटेरियल फ्रॉम द टॉप, और ऊपर से क्या करेंगे, पोर करेंगे, उसके अंदर मटेरियल डालेंगे। दिस मेथड यूज फॉर रिपेयर द बॉटम ऑफ रिलेटिवली थिन मेंबर, जो हम लोग कौन ये वाला रिपेयर मेथड कहाँ पे यूज होगा, जो थिन मेंबर होगा लाइक आपका स्लैब, जहां पे हमने स्लैब को जैसे मतलब छत हो गई, ठीक है, उसको रिपेयर करना, तब ये वाला मेथड यूज करेंगे। ये फॉर्म नीचे जो कर रखा है इन्होंने, ये फॉर्म वर्क लगा रखा है, क्योंकि इसके बिना तो फिलिंग नहीं होगी, जो भी मटीरियल आप डालोगे वो नीचे गिर जाएगा। जैसे ऊपर वाले में क्या है, ऊपर वाले में तो टॉप पे था, टॉप पे आसानी से हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पे अगर फिलिंग करनी है तो क्या होगा, ये गिर जाएगा, इसीलिए नीचे क्या कर रखा है, ये वाला जो है ये फॉर्म वर्क है आपका, ये वाला जो है नीचे सारा ये फॉर्म वर्क लगा के ऊपर से फिलिंग कर रहा है, ताकि नीचे जो है वो सेट हो जाए, ठीक है। ये फॉर्म इज सेटअप अंडर द प्रीपेयर सरफेस, जो भी हमने रिपेयर करना है उसको तैयार किया हमने रिपेयर करने के लिए, उस पर क्या करेंगे, नीचे फॉर्म वर्क लगा देंगे। रिपेयर मटीरियल जो भी हमने रिपेयर करने के लिए मटेरियल हमने वो किया है उसको पोर कर देंगे। कैविटी जो भी हमने हॉल बनाया है, बीच में जो गैप होता है इसको कैविटी बोलते हैं, ये जो है
हॉल हो गया, थ्रू द ड्रिल हॉल, ठीक है, जो खाली जगह है उसके अंदर प्लेस कर देंगे. द मटेरियल कैन बी प्लेस थ्रू द फनल, फनल जैसे मतलब वो तेल वाली कुप्पी होती है ना, ऐसे करके ऐसे ही इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे टू क्रिएट ए प्रेशर हेड, और प्रेशर भी लगाना है, विच विल हेल्प टू फिल द वॉइड, जो हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा जो वॉइड है उनको भरने के लिए, ठीक है. प्लेस नेडल वाइब्रेटर, कई बार नेडल वाइब्रेटर भी हम यूज करते हैं जो रिपेयर कैविटी है उसको भरने के लिए, जो हॉल है उनको भरने के लिए. आल्सो वाइब्रेट द फॉर्म बिलो द फॉर्म फ्रॉम द बिलो, ठीक है, वाइब्रेट करते हैं जहां फॉर्म होता है उसके नीचे, जैसे ये फॉर्म है इसके नीचे से भी हम लोग क्या करते हैं, वाइब्रेट करते ताकि सेट हो जाए, ठीक है. गुड वाइब्रेशन विल इंश्योर कंप्लीट फिलिंग ऑफ द कैविटी, अच्छे से वाइब्रेट करेंगे तो ये हम इंश्योर हो जाएंगे कि जो भी वॉइड है वो क्या हो गए हैं, या कैविटी है जो भी हॉल है वो क्या हो गया, अच्छे से फिल हो जाएंगे. केयर इज टेकन दैट नो एयर इज इंट्रैप, हमने ये कोशिश करनी है कि उसके अंदर एयर इंट्रैप ना हो, ठीक है, हवा भर जाएगी तो फिलिंग नहीं हो पाएगी, इसीलिए हमने ये इंश्योर करना है उसकी एयर इंट्रैप नहीं होनी चाहिए जब वाइब्रेट कर रहे हैं. द न्यू मटीरियल शुड बी फ्लैट एंड लेवल विद द सराउंडिंग कंक्रीट, और हम जब फिलिंग कर देंगे तो हम लोग मटीरियल को फ्लैट कर देंगे, ऊपर से सरफेस को प्लेन कर देंगे, ठीक है, लेवल्ड कर देंगे, जो भी हमारा आसपास का एरिया है जो पहले से कंक्रीट लगा हुआ है वैसा उसको बना देंगे. क्लियर है? यस मैम. यस मैम. ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं. मतलब देखो अब तुम डायग्राम देख रहे हो, समझ नहीं आ रहा ना, बिल्कुल सिंपल बात है कि नीचे हॉल है, नीचे प्रॉब्लम है, ऊपर से हम नीचे हमने फॉर्मवर्क लगा दिया, शटरिंग लगा दी, ऊपर हॉल कर लिया जहां पे हमारा डिफेक्ट आ रखा है उसके नियर, ठीक है, ऊपर से हमने फिलिंग कर दी, वाइब्रेटर से अच्छे से हिलाया है, नीचे से वाइब्रेटर किया है ताकि अच्छे से फिलिंग हो जाए. बात सिंपल है लेकिन बहुत घुमा के दे रखा है इसने चीज को, तो कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को समझ लो. उसके बाद ये है कि एडवांटेज क्या है, दिस इज द इजिएस्ट एंड लिस्ट एक्सपेंसिव मेथड, ठीक है, ये सस्ता है और आसानी से हो जाता है. और स्पेशल इक्विपमेंट सच एज कंक्रीट पंप इज नॉट, इसके लिए कोई स्पेशल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वाइब्रेटर चाहिए बस हमें, और ग्रेविटी के साथ भी हम उसको फिल कर सकते हैं जो भी कैविटी है. उसके बाद फिलिंग प्लगिंग प्लेसमेंट हॉल एंकर द रिपेयर मटेरियल इनटू द ओरिजिनल, ये हमें क्या है, जो हॉल है उनको क्या करने में, फिल करने में हेल्प करते हैं. फिलिंग और मतलब जो ओरिजिनल शेप है हम लोग उसके लिए हॉल बना सकते हैं, हॉल बनाते हैं जो वो आसानी से उसके अंदर क्या हो जाता है, फिलिंग हो जाती है, कुछ ज्यादा हमें ताम ढम करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है. फिलिंग और प्लगिंग का मतलब एक ही है, ठीक है, उसको भरना. उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है कि प्लेसमेंट हॉल कैन नॉट Always be drilled where the needed required reinforce. कई बार क्या होता है कि स्लैब है तो नीचे reinforce सरिया भी लगा होगा, यहाँ बीच में अगर स्लैब के अंदर सरिया लगा हुआ है ना तो हॉल नहीं हो पाता, हॉल नहीं हो पाएगा तो नीचे की साइड नहीं जा पाएगा. तो पहली प्रॉब्लम तो ये आ गई कि कई बार क्या है कि रेनफोर्स अगर सरिया लगा हुआ है तो नीचे की साइड हम जहाँ पे हॉल करना चाह रहे हैं वहां पे हॉल नहीं होता. There is a chance of the air entrapped into the material. कई बार एयर इंट्रैप होने के अंदर एंटर करने के चांस रहते हैं जो नया मटीरियल लगाया है और नीचे जो मतलब जो है हमारा पहले वाला मटीरियल है उसके बीच में, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकती है. दिस टेक्निक प्रैक्टिकली ओनली फॉर रिलेटिवली थिन मेंबर, जो पतले मेंबर होते हैं सिर्फ उनके लिए ही सुटेबल रहेगी. अगर ज्यादा ड्रिलिंग करनी है ज्यादा वाइब, और जब हम लोग क्या है थिन मेंबर में कर रहे हैं तो ज्यादा ड्रिलिंग कर देंगे, ज्यादा हॉल कर देंगे और वाइब्रेटिंग कर देंगे तो वो मटेरियल जो है वो खराब भी हो सकता है जो पहले वाला है, डिफिकल्ट हो जाता है हैंडल करना, तो ये इसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है. फायदे क्या हुए, इजी है, लिस्ट एक्सपेंसिव है, कोई स्पेशल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आसानी से हॉल की फिलिंग हो जाती है, ओरिजिनल मटेरियल जैसा है वैसा बन जाता है वो, ठीक है. उसके बाद दूसरे वाले में क्या है कि कई बार रेनफोर्स यूज कर रहता है हॉल नहीं बन पाता, ठीक है. दूसरा और क्या है, एयर इंट्रैप होने के चांस रहते हैं. थिन मेंबर में अगर हम लोग ज्यादा ड्रिलिंग वाइब्रेटिंग वाइब्रेशन करते हैं तो वो कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, इसीलिए ये वाली प्रॉब्लम इस वाले उसमें है. अब बर्ड माउथ टेक्निक, इसमें क्या है कि वर्टिकल मेंबर में, वर्टिकल मेंबर की कैविटी भरने के लिए हम यूज करते हैं. पहले मैं डायग्राम समझा देती हूँ तुम्हें. ये वर्टिकल मेंबर है ये वाला, ठीक है,
अगर ऊपर टॉप पे प्रॉब्लम होती तो हम टॉप वाले मेथड से भी कर सकते थे, ठीक है, और ओवरहेड जो नोजल वाला भी कर सकते, लेकिन क्या है कि एक छल की यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे नीचे आके, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये वाला वाइब्रेटर है, यहाँ पे डायग्राम समझ लो, सारा अपने आप समझ आ जाएगा। ये पाइप है, ठीक है, इसके अंदर अंदर जो जा रहा है, ठीक है। ये वाला क्या है, रिपेयर मटेरियल है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो लगा हुआ है ये फॉर्म वर्क है, ठीक है, क्योंकि फॉर्म वर्क आप जब लगाओगे तभी ही ये इसके अंदर जाके फिलिंग कर पाएगा, ठीक है, यहाँ पे भरेगा, फॉर्म वर्क लगा रखा है इधर की साइड। तो अब हम पढ़ लेते हैं ऊपर क्या लिखा है इसने। ये कह रहा है कि बर्ड माउथ टेक्निक कैन बी यूज फॉर द वर्टिकल कैविटी, ठीक है, ये तो हमें पता लग गया वर्टिकल मेंबर में। कैन नॉट फिल फ्रॉम द टॉप, जो टॉप से हम फिलिंग नहीं कर सकते जिसके अंदर। द फेस ऑफ द रिपेयर कैविटी इज फॉर्म जस्ट फ्यू एमएम बिलो, जो रिपेयर कैविटी है मतलब जो हॉल है वो कहाँ पे हो रहा है, जो टॉप है उससे थोड़ा नीचे हो रहा है, कुछ एमएम के बाद, ठीक है। दिस सेक्शन ऑफ द फॉर्म हेल्ड टाइटली टू द कंक्रीट सरफेस, अब क्या करेंगे हम इस सेक्शन को मतलब टाइटली क्या कर देंगे, फॉर्म वर्क से बांध देंगे, ठीक है। ये यही बोल रहा है कि दिस फॉर्म सॉरी दिस सेक्शन ऑफ फॉर्म इज हेल्ड टाइटली टू द सरफेस कंक्रीट, ठीक है। अब स्लाइंडेड सेक्शन, जो झुका हुआ सेक्शन है, बर्थ माउथ इज एडेड टॉप ऑफ द फ्लैट प्रोजेक्शन, समझने की कोशिश करो इसको, ये ना बहुत कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, लेकिन इतना है नहीं ये, यहाँ पे सिंपल फॉर्म वर्क किया है, ये स्लो इसने ऐसे इस टाइप से एंगल बनाया है, इसने ये 45 का एंगल बनाया है, और यहाँ पे इसने क्या है, छूट दी, छूट का मतलब होता है कि इसने स्लिपर प्रोवाइड किया है, स्लिपरी सरफेस बना दिया ताकि इजिली जो मटेरियल है इसके अंदर पोर हो जाए, ठीक है। और ये जो है ये वाइब्रेटर है, इससे क्या है अंदर की साइड इसको वाइब्रेट करके क्या कर देगा, अंदर इंसर्ट करेगा, ये जो पाइप आ रही है ना, ये जो लगा रखा है, मैं एक बार उससे मार्क करती हूँ, ये वाला ये वाइब्रेटर है, ठीक है। और मटेरियल कहाँ से आ रहा है, ये वाला ये मटेरियल है, इसके अंदर फिलिंग हो रही है, ठीक है। तो जो झुका हुआ सेक्शन है, बर्ड माउथ मतलब ये जैसे इसका चोंच होती है ना वैसे बन रहा है, ठीक है, इसीलिए इसने इसका नाम ऐसे रख दिया, इसने 45 के एंगल पे किया है हमने, ठीक है। एक्सटेंडेड सेवरल एमएम अबोव द टॉप ऑफ द कैविटी, हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं उसको। दिस फॉर्म में चूट जो है आपका दैट अलाउ द मटेरियल, मतलब इसका मतलब है कि एक स्लोप बना देते हैं, दिस फॉर्म में चूट, ठीक है, एक स्लोप बना देता है, दैट अलाउ द मटेरियल टू पोर्ड इनटू द कैविटी, जो हॉल है उसके अंदर भरने में हेल्प करे। इट ऑल्सो अलाउ द मटीरियल टू प्लेस इन द फॉर्म हायर देन द टॉप ऑफ द कैविटी, जो भी हमने फॉर्म प्लेस किया है ये हमें ये भी हेल्प करेगा कि नीचे से जो भी है कंप्लीट कैविटी की फिलिंग हो जाए। आफ्टर द मटेरियल हैज सेट, एक्स्ट्रा मटेरियल इज रिमूव, जो भी मटेरियल सेट है ये तो हम करते ही हैं, लास्ट में रिमूव कर देते हैं। ए वाइब्रेटर इज इंसर्टेड, जो वाइब्रेटर मैंने बता दिया, वो वाइब्रेटर को उसके अंदर इंसर्ट करेंगे ताकि जो उसके अंदर फिलिंग की गई है वो अच्छे से हो जाए, वाइब्रेट करके उसको अंदर सेट करने की कोशिश की। वाइब्रेशन इंश्योर कंप्लीट फिलिंग ऑफ द कैविटी एंड रिमूव एयर पॉकेट, ठीक है, जो भी उसके अंदर हवा भर गई है और जो भी उसके अंदर कैविटी है वो अच्छे से फिल हो जाए, वाइब्रेट ये इंश्योर करता है। अब बताओ इसमें कोई डाउट, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसने थोड़ा उलझा रखा है, लेकिन जब यहाँ पे डायग्राम में समझ लोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। एक बार मैं फिर से दोबारा रिपीट कर देती हूँ सारी चीजें कि कौन सी चीज क्या वर्क कर रही है। ये आपका वाइब्रेटर है, ठीक है, वाइब्रेटर ये जो है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, अंदर जाके ये वाइब्रेट करेगा, ठीक है। ये आपका मटीरियल है, यहाँ पे ये जो है मटेरियल जा रहा है,
ये कह रहा है कि एक चूट प्रोवाइड, चूट मतलब स्लोप, यहाँ पे एक स्लोप प्रोवाइड दिया है, किया है इसने, ठीक है, 45 के एंगल पे, जिससे क्या है इजिली ये अंदर जा रहा है इसके मटेरियल, ठीक है। ये आपका फॉर्म वर्क है, मतलब ये आपने शटरिंग लगा रखी है, क्योंकि यही शटरिंग इसको सपोर्ट करेगी। मटेरियल जब सेट हो जाएगा, शटरिंग को हटा देंगे हम, और हमें लगता है कि मटेरियल एक्स्ट्रा जो बाहर आया हुआ है उसको भी हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। बर्ड माउथ इसलिए बोल रहा है ये, जैसे एक चोंच होती है उसकी वैसे वाली शेप ये ले रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से तुम्हें क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एडवांटेज क्या होगा। दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर स्पेशल इक्विपमेंट, वैसे तो स्पेशली है ये, कौन सा हमारे पास है। ऑफन द रिपेयर मटेरियल इज मूव फॉर मिक्सचर फ्रॉम द बकेट, ठीक है। हम स्पेशल कोई मटेरियल की रिक्वायर्ड नहीं है हमें, लेकिन हमें बकेट की रिक्वायर्ड जो मूव करता है मिक्सचर में, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या होगा, ओनली यूज फॉर प्लेसमेंट ऑफ द नॉट वेरी डीप, ये जो कम डीप होता है ना वहां पे यूज करते, ज्यादा डीप वाले में इसको यूज नहीं कर सकते हम लोग। फ्रॉम द मिक्स एज ए मटेरियल फॉल फ्रीली टू द बॉटम, क्योंकि ज्यादा ऊपर से अगर मशीन जो मटेरियल है नीचे फेंकेंगे तो तुम्हें पता, तुमने सीटी में पढ़ा होगा कि सेग्रेशन और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है उसमें, ठीक है। पानी बहना स्टार्ट हो जाता है और जो पार्टिकल है वो अलग हो जाते हैं, तो ज्यादा ऊंचे से हम मटेरियल को नहीं फेंक सकते, जो कम डीप होगा जहां पे वहां पे ये यूज होगा। उसके बाद अब ये कह रहा है, ये स्लैब है आपकी, छत देखना, बैफल रूफ देखना, उसमें क्या होता है कि जो रूफ होती है ना उसके नीचे डिजाइनिंग बनी होती है। मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ सर्च करके, देख पा रहे हो ये पिक्चर्स जो है, दिख रही है तुम्हें? यस मैम, यस मैम। ये हाँ बे, ये ना देखो, तुम नॉर्मल जो रूफ देखते हो ऐसी नहीं होती, ये वाली जो है बैफल स्लैब बोलते हैं इसको, ठीक है। नीचे की साइड है ये, नीचे की साइड ऐसे बॉक्स बॉक्स में डिजाइनिंग कर रखी है, तो इसको बैफल स्लैब बोलते हैं। मतलब ये डिजाइनिंग कैसी भी हो सकती है, जैसे ये इन्होंने कर रखी है, अलग अलग टाइप, ये बॉक्स ज्यादा बड़े भी हो सकते हैं, तो ये वाली जो डिजाइनिंग है ना इसको क्या है, ये इसको बैफल स्लैब बोलते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जब बैफल स्लैब होगी तो उस टाइप की रिपेयरिंग करने के लिए हम लोगों को क्या है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसमें सिंपल है, जैसे मान लो ये नीचे की साइड आपका बना हुआ है ये चीज, ठीक है। ऐसे ही स्लैब के अंदर यहाँ भी हो सकता है ये ऐसे बना हो, ठीक है। तो इस टाइप में कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम अगर आती है तो तब हम ये ड्राई पैकिंग वाला प्रोसेस यूज करते हैं। ये इसने लिखा है, ड्राई पैकिंग टेक्निक कैन बी यूज फॉर द रिपेयर ऑफ स्मॉल कन्फाइन एरिया, ठीक है। स्मॉल एरिया में इसको यूज करते हैं, सच एज द रिव ऑफ ए बैफल स्लैब, ठीक है। छोटे एरिया में यूज करेंगे जहां पे हम लोगों को क्या है, लाइक आपका बैफल बॉल है। उसके बाद दैट लिमिटेड रेनफोर्स, जिसके अंदर कम रेनफोर्स होता है, ऑब्स्ट्रक्शन कम होगी, ठीक है। कम रेन, लिमिटेड रेनफोर्स होता है और ऑब्स्ट्रक्शन कम होगी, तब ड्राई पैकिंग वाला मेथड यूज करेंगे। ड्राई पैकिंग अब करते क्या है, ड्राई पैकिंग टेक्निक यूज ड्राई मोटार, सूखा मोटार इसमें यूज करेंगे विद जस्ट इनफ वाटर फॉर स्टिकिंग, उसको रोकने के लिए, स्टिक करने के लिए, जमाने के लिए। दिस सरफेस इज प्रिपेयर्ड एंड ड्राई पैक इज प्लेस कन्फाइंड एरिया, समझ लो इसके अंदर क्या कर दिया, ड्राई मटीरियल भर दिया, ठीक है।
उसके बाद स्टिक करने के लिए, इसको चिपकाने के लिए हमने क्या किया है, पानी डाला है उसके अंदर, ठीक है। और किससे, ये हथौड़ा जो होता है, ये जो है आपका, ये आपका इसको मैलेट बोल रहा है, जो हथौड़ा होता है, ठीक है। ये जो आपकी इसको क्या बोलेंगे, इसमें ये ड्रू स्टिक बोल रहा है, मुझे इसका हिंदी में नाम नहीं पता, इसके अंदर इसको भरेंगे ऐसे फिलिंग करके। उसके बाद क्या है, हम लोग मैलेट एंड ड्रू स्टिक आर यूज टू पैक द मटीरियल, उसको पैक करने के लिए इन टू द प्लेस, जहां भी हमने प्लेस करना है। और नीचे पे ये आपका फॉर्म वर्क लगा रखा है, ये फॉर्म वर्क है, क्योंकि ये ऐसे तो रुकेगा नहीं ये मसाला, तो ये फॉर्म वर्क कर रखा है। इसके अंदर फिलिंग करी है हमने, पैक द मटेरियल इनटू द प्लेस टू फॉर्म ये यूनिफॉर्म कंपैक्शन मास, जिस भी मास में हमें चाहिए, जितना भी हमने कंपैक्ट करना कर देंगे। उसके बाद आफ्टर द मटेरियल इज प्लेस एंड कंपैक्शन एक्सपोज सरफेस इज फिनिश, वही सीमेंट मोर्टार के साथ उसकी फिलिंग करें, एक्सपोज सरफेस को हम क्या कर देंगे, फिनिश दे देंगे, एंड उसके बाद उसकी क्यूरिंग कर देंगे। क्लियर है मैम? ये मेनली मैम उसमें वेफल स्लैब में यूज होता है, ये हाँ लिखा है इसमें, ठीक है। कन्फाइन एरिया मतलब छोटा एरिया जो होगा इस टाइप का, आप कहाँ पे कह सकते हैं इसको, जैसे मान लो पैरापेट होता है, वहां पे भी होता है नीचे की साइड ऐसे डिजाइनिंग वगैरह, जहाँ पे ऐसे नीचे की साइड छोटी मोटी, अगर जहाँ पे छोटा एरिया होगा ना वहां पे यूज होगा ये, ठीक है। ज्यादा बड़े एरिया में नहीं आप ड्राई फिलिंग कर सकते, ड्राई जो पैकिंग है वहां पे नहीं कर पाओगे, छोटे एरिया में, कन्फाइन एरिया में, जो छोटे वाले एरिया है उसमें हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ऊपर, इसीलिए इसने एज ए रिब ऑफ द रिब्स, मतलब ऐसे वाले जो छोटे एरिया होते हैं वहां पे हम इसको यूज करेंगे। उसके बाद इसके लिए कोई एडवांटेज इसका यही हो जाएगा, इसके लिए कोई स्पेशल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ड्राई पैकिंग प्रोड्यूस हाईली क्वालिटी मटेरियल विद मिनिमम श्रिंकेज, पता है जहां पे सूखा मटेरियल ज्यादा यूज करेंगे वहां श्रिंकेज कम होगी, और अर्ली स्ट्रेंथ मिलेगी हमें, गुड बॉन्ड बनेगा, ठीक है। उसके बाद ड्राई पैकिंग में मोर लेबर एक्सटेंसिव एंड रिक्वायर स्किल इन मिक्सिंग द मटेरियल टू गेट प्रॉपर मॉइस्चर, हमें क्या है कि लेबर जिसको सही नॉलेज हो ना वो वाला आदमी इसको सही कर सकता है, ठीक है। और रिक्वायर्ड स्किल इन मिक्सिंग, जब मिक्सिंग कर रहा है प्रॉपर मिक्सिंग के लिए भी हमें स्किल की रिक्वायरमेंट रहेगी। और उसके बाद ड्राई पैकिंग इज नॉट फिजिबल इन द लार्ज एरिया, यहाँ पे मैंने पहले बता दिया कि लार्ज और डीप एरिया में, और जहां पे रेनफोर्स ज्यादा होगी, क्योंकि उसके अंदर ड्राई फिलिंग कर नहीं पाओगे आप, तो उस वाले एरिया में ये सुटेबल नहीं रहेगी। उसके बाद ड्राई पैकिंग रिक्वायर्ड ए मोर स्किल, जो ऊपर इसने बोल ही दिया है कि स्किल की हमें जरूरत पड़ेगी, अगर नहीं नॉलेज है तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर्म एंड पंप टेक्निक, अब इसमें क्या है, ये ओवरहेड और वर्टिकल जो एरिया होते हैं, वर्टिकल रिपेयर एरिया होते हैं वहां पे हम इसको यूज करते हैं, आर नॉट अप्रिपेयर ड्यू टू द ज्योमेट्री ऑफ द, जहां पे दूसरा कोई मेथड यूज नहीं हो रहा है वहां पे हम ये वाली टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद दिस इन दिस इंक्लूड द अंडर साइड ऑफ द डीप बीम, ठीक है, विथ क्लोजली स्पेस रेनफोर्स, जहां पे जैसे मान लो अंडर साइड द डीप बीम, जहां पे ज्यादा रेनफोर्स होता है, क्लोजली स्पेस रेनफोर्स होता है, वो कंजस्टेड जो रेनफोर्स की बात कर रहा था ना, जो पहले वाला हमने न्यूमेटिक वाला भी ओवरहेड के लिए और वर्टिकल के लिए यूज किया है, लेकिन उसमें उसने जिक्र कर दिया था कि भाई जहां पे आपका कंजस्टेड रेनफोर्समेंट होगा वहां पे ये यूज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने यूज कर बोल दिया, ये वर्ड यूज किया है कि जहां पे आपका क्लोजली स्पेस्ड जो आपका रेनफोर्स होगा वहां पे ये वाला यूज होगा, और वेरी लार्ज रिपेयर एरिया होगा, ज्यादा बड़ा एरिया होगा, ठीक है। द सबस्ट्रेट कंक्रीट, सबस्ट्रेट मतलब जो पहले से लगा हुआ है, ठीक है, इज प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, उसको प्रॉपरली तैयार करेंगे, एंड कवर्ड विद द फॉर्म, जो फॉर्म वर्क है मतलब नीचे शटरिंग है वो लगा, ये पहले वाला एरिया है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, शटरिंग लगा दिया सारी साइड, कवर्ड विद द फॉर्म, ऑफन द फॉर्म इज कम्प्लीटली क्लोज, जब आपका फॉर्म जो है, शटरिंग जो है पूरी तरह क्लोज हो जाएगा, मेड वाटर टाइट एंड इक्विपमेंट विद द पंपिंग पोर्ट, ठीक है, उसको वाटर टाइट बनाना है कि पानी कहीं से लीक नहीं होना चाहिए, और ना ही उसके अंदर क्या है, हवा भरनी चाहिए, ठीक है, और वाल्व लगा देंगे, एयर वेंट लगा देंगे, ठीक है। ये जो है हॉज, ये पाइप लगी हुई है, इसी के अंदर से जो भी होगा इसी के अंदर से होगा। उसके बाद
फॉर्म आर स्ट्रॉन्गर देन द कन्वेंशनल फॉर्मवर्क. जो हम नॉर्मल जो फॉर्मवर्क यूज करते हैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये होना चाहिए, क्योंकि हम पंप जो है प्रेशर के साथ अंदर फिलिंग करेंगे, और अगर वो